हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर, पीपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीसी या फिर पीपीएफ। ठीक है, पीपीसी या पीपीएफ बोलते हैं। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम एंड ऑफ एन इकोनॉमी, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसकी जो है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जो है उसको आराम से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पीपीसी। पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। ए पी पी सी इज ए कर्व, ये एक ऐसा कर्व है विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सिस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ टेक्निक लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी कर लीजिएगा आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर पूरे का मतलब समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसी वक्र है जो विभिन्न वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है, जिसमें उत्पादन के लिए दिए गए संसाधनों एवं तकनीकों के साथ उत्पादन किया जा सकता है। इसे परिवर्तन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब सर इसका मतलब समझाइए। तो चलिए मतलब देखते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि एक ऐसा कर्व है, जैसे कि ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ जो होता है वो इसमें पीपीसी ऐसे कुछ शो किया जाता है। लाइन गड़बड़ बन गई, आप देखिएगा, कुछ ऐसे शो किया जाता है पीपीसी। अब ये जो पीपीसी है, ये जो लाइन है, ये पीपीसी है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर हम एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, हमारे पास कुछ पैसा है, हम वो पैसा लगाना चाहते हैं ताकि हम दो तरह के गुड्स बना सकें। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है, हम एक्स और वाई कितनी कितनी मात्रा में बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भैया यहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, स्रोतों की बात किया उसने, संसाधनों एवं तकनीकों की बात किया उसने, कि अगर कोई आदमी मान लो 1,000 रुपए लगाना चाहता है। ठीक है, 1,000, इसलिए बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं, 1,000 रुपए वो लगाना चाहता है और दो तरह के गुड्स, एक एक्स एक वाई, दो तरह के गुड्स वो बनाना चाहता है। अब बताइए, कुछ पैसा उसको एक्स बनाने में लगाना पड़ेगा, कुछ पैसा उसको वाई बनाने में लगाना पड़ेगा, तभी ना दोनों तरह का, इसका भी रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, इसका भी रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, इसके लिए भी मशीन अलग बनेगी, इसके लिए भी मशीन अलग रहेगी। तो दोनों एक्स गुड्स बनेगा तो उसके लिए मशीन अलग होगी, वाई गुड्स बनेगा उसके लिए मशीन अलग होगी। तो भैया ये तो टेक्नोलॉजी हो गई, उसने टेक्नोलॉजी लगा दिया, कैपिटल लगा दिया उसमें, और उसके बाद रिसोर्सेज रॉ मटेरियल है, जो भी उसमें लेबर वगैरह लगेंगे, है ना, तो ये सब लगा के वो सामान बनाएगा। अब उसके पास ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ पूरा एक्स सामान ही बनाए, वाई को बिल्कुल ना बनाए, वाई को बिल्कुल ही ना बनाए। दूसरा ऑप्शन, थोड़ा एक्स बना ले, थोड़ा वाई बना ले, थोड़ा एक्स बना ले, थोड़ा वाई बना ले। या फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि भैया एक्स को बिल्कुल ना बनाए, वो बिल्कुल बना ही नहीं, एक्स जो एक गुड्स था उसको बना ही नहीं, वाई को पूरा बना ले, जितना पैसा था पूरा का पूरा 1,000 रुपये किस में लगा दे, वाई बनाने में। एक ऑप्शन था सिर्फ एक्स लगा बनाने में 1,000 रुपये पूरा लगा दे वो। तो कह रहा है हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम सिर्फ एक्स बनाए, दूसरा ऑप्शन क्या है एक्स और वाई दोनों बनाए, तीसरा ऑप्शन क्या है सिर्फ वाई बनाए और एक्स बिल्कुल ना बनाए। तो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है। अच्छा, मान लो हमने ये चूज किया, तो हमने ये दोनों चूज नहीं किया, मतलब
हम सिर्फ एक्स में पैसा लगा रहे हैं और वाई में पैसा बिल्कुल नहीं लगा रहे, या फिर ये ऑप्शन चूज किया हमने, हमने कहा हम ये ऑप्शन चूज करेंगे, एक्स भी बनाएंगे और वाई भी बनाएंगे, मतलब हमने ये दोनों ऑप्शन छोड़ दिया, हमारे पास ये ऑप्शन था बनाने का, इतने पैसे में ये भी बन जाएगा। तो जो हम ऑप्शन छोड़ देते हैं और दूसरे को चूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि हम एक्स बना सकते थे, वाई बना सकते थे, कितना परसेंट, 60% पैसा हम एक्स पे लगा दें, 40% पैसा हम वाई पे लगा दें, या दूसरा ऑप्शन 40% हम एक्स पे लगाएं और वाई पे 60% लगाएं। तो भैया दोनों में हम अपना पूरा 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 100% खर्च कर रहे हैं दोनों ऑप्शन में, लेकिन हमें जो सामान ज्यादा चाहिए होगा हम दूसरे वाले को छोड़ देंगे, मतलब हमें x ज्यादा चाहिए तो हम y को कम बनाएंगे और y x अगर कम चाहिए तो हम y को ज्यादा बना लेंगे, है ना। अगर y हमें ज्यादा चाहिए तो x को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा 1000 रुपये खर्चा करने के लिए है तो बताइए, अगर आप x को 10 पीस बना रहे थे और y को 4 पीस तो आपका 1000 रुपये खर्चा हो जा रहा था, कितना खर्चा हो जा रहा था, 1000 रुपये। अच्छा अगर हम चाहें कि x थोड़ा सा कम कर ले क्योंकि हमें y 8 पीस बनानी, तो हम सोचेंगे भैया इसको हम 4 पीस बना लेते हैं x को, और जो पैसा इसमें से बचेगा वो कहाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे, 8 पीस y में इस्तेमाल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमें एक में ज़्यादा पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है, एक में ज़्यादा पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसीलिए इसको मार्जिन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्म, क्यों, इसका जितना पैसा लगना था यहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में, वो पैसा 10 के बजाय अब चार सामान बना रहे हैं, 4 पीस बना रहे हैं, और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो गया, दूसरे कोर्स में। तो एक एक अपनी अपने पैसे को, अपनी कॉस्ट को किसने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, दूसरे गुड्स में, एक गुड्स ने दूसरे गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एक प्रोड्यूसर के पास प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में बनाए, ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम एंड ऑफ एन इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम एंड ऑफ एन इकोनॉमी जो लास्ट वीडियो थी उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है भैया, हम शेड्यूल और डायग्राम दोनों से सीखेंगे। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए आपके काम की भी चीज़ है, क्योंकि आप लोग हॉस्टलर हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और रूम लेके रहते हैं, अकेले रहते हैं या फ्लैट लेके रहते हैं दोस्तों के साथ, तो आपको कुकिंग वगैरह का भी शौक हो सकता है, कुकिंग करते होंगे कभी कभी, कभी अच्छा बनता है कभी ख़राब बनता है, हम लोग भी बनाते थे तो शुरू में बहुत ख़राब खाना बनता था। तो कुछ कुकिंग वगैरह से अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चैनल जो है बता सकता हूँ जहाँ से आप आसानी से कुकिंग करना सीख सकते हैं, लेडीज़ हब नाम का एक चैनल है, मेरे एक फ्रेंड का है, उसने काफ़ी कुछ मुझे भी सिखाया है कुकिंग में, आज मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ अब। लेडीज़ हब नाम से ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आएगी तो आप चाहें तो इसकी ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए वो आपको मिल सके, ठीक है। इसमें कुछ टोनर वगैरह भी बनाना सिखाते हैं, मंचूरियन बॉल्स और दही भल्ले, है ना, आप लोग को काफ़ी पसंद होंगे। इसमें अलग अलग तरह की वीडियोज़ हैं, खास करके चिकन रेसिपीज़ भी अच्छी खासी हैं, बिरयानी भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इसमें से, काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है उससे, ठीक है। कॉफ़ी बनाना, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी बनाना मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी सीख सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए कुकिंग करना, आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लेडीज़ आपको भी सपोर्ट करिए, ठीक है, गुड लक। शेड्यूल और डायग्राम में हमारे पास
अनुसूची दी हुई है। देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, हम जीन्स बनाना चाहते हैं और शर्ट बनाना चाहते हैं, हमारे पास कंपनी है, क्लॉथ्स की फैक्ट्री है या क्लॉथ की इंडस्ट्री है, हम कपड़ा बनाते हैं, तो हमारे पास जो भी पैसा लगाना चाहते हैं तो हम जीन्स में लगाएं या शर्ट में लगाएं या दोनों में लगाएं, हमारे पास कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, हम एक भी जीन्स ना बनाएं, जीरो जीन्स, तो हम कितनी शर्ट बना सकते हैं, 30 शर्ट, कितनी शर्ट बना सकते हैं, 30। अगर हमें थोड़ा सा जींस में बढ़ाना है, हम एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, हम एक पीस जींस की बनाना चाहते हैं, तो भैया हमें थोड़ा सा शर्ट को छोड़ना पड़ा। क्यों, दो शर्ट अब नहीं बन पाएगी, क्यों, जो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा था बेटा, अब वो जींस बनाने में थोड़ा सा खर्च हो गया, इसलिए हम शर्ट सिर्फ दो यूनिट कम कर देंगे और एक जींस बना लेंगे। अच्छा, दो जींस बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा और छोड़ना पड़ा शर्ट में, हम और जींस बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा और छोड़ना पड़ा शर्ट में, हम और जींस बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा और छोड़ना पड़ा, हम सारे का सारा पैसा जींस में लगाना चाहते हैं, शर्ट में हमने एक भी पैसा नहीं लगाया, तो हमने शर्ट को बनाया ही नहीं। तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं कि हम चाहें तो थोड़ा जींस बनाए, थोड़ा शर्ट बनाए, चाहे तो सिर्फ जींस बनाए, चाहे तो सिर्फ शर्ट बनाए, ठीक है। तो ये सब सोचना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को। अब देखिए एक बात इससे निकल के आती है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए हम जब एक यूनिट बना रहे थे, जब एक भी जींस की यूनिट नहीं बना रहे थे, तो हम कितनी यूनिट बना रहे थे, 30। अब देखिए चेंज कितना आया, हमने एक जींस बनाई तो हमें दो यूनिट, कितनी यूनिट छोड़ना पड़ा, दो यूनिट, फिर एक जींस और बनाई तो 28 से देखिए कहां पे आ गए, 24 पे, हमें चार यूनिट शर्ट की और छोड़ना पड़ा। हम तीन यूनिट जींस बना रहे हैं तो हमें 6 यूनिट, 24 से हम कहां गए, 18 पे, ठीक है, हमें शर्ट की और यूनिट छोड़नी पड़ी, क्योंकि हम एक यूनिट और जींस की बनाना चाहते हैं तो हमें शर्ट की एक और यूनिट छोड़नी पड़ेगी। हम अगर एक यूनिट और चाहते हैं बनाना तो हमें और भी शर्ट छोड़नी पड़ेगी। हमें पता चला अब तो पैसा ही नहीं बचा, सारा का सारा पैसा जींस में लग गया, शर्ट में लगाने के लिए कोई पैसा बचा ही नहीं, यहाँ 8 रहेगा और यहाँ 10, ठीक है, तो यहां से 8 का चेंज आया था और यहां पे देखिए कितने का चेंज है, 10 का। तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितना हम एक यूनिट में बढ़ाते जाएंगे उतना हमें दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा क्या है भैया, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और शुरू की वीडियो में मैंने बताया है रिसोर्सेज का आप सीधा मतलब लीजिएगा भैया लक्ष्मी से। मान लीजिए हमें जो है कपड़े को, तन को ढकना है, हमारे लिए रिसोर्स क्या है, कपड़ा, ठीक है, जरिया तो कपड़ा है, लेकिन वो कपड़ा कैसे मिलेगा, जब तक हमारे पास पैसा नहीं है तब तक वो कपड़ा हमें नहीं मिल पाएगा, इसीलिए जरिए को हमेशा पैसे में समझिएगा, उस पैसे से कई चीजें हो सकती। आगे आते हैं कि भैया इसी को ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है, तो देखेंगे कि भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी। आपको ऐसे बनाना पड़ेगा बेटा, ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए हम एक भी यूनिट, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ पॉइंट है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन पे देखा हम एक भी यूनिट, यहां पे हम रख देते हैं बेटा जींस को और यहां पे हम रख देते हैं शर्ट्स को। अब देखिएगा बात को समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा प्रॉपरली, जब हम एक भी जींस नहीं बना रहे थे तो हम शर्ट कितनी बना रहे थे बेटा, 30 यूनिट,
कितने यूनिट बना रहे थे? 30 यूनिट बना रहे थे। जब हम एक यूनिट जींस बनाने लगे तो हमें कितनी शर्ट बनाने का मौका मिला? 28। देखिए एक यहां चला जाएगा, है ना, ये हमारे पास है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास? हम एक यूनिट और दो यूनिट जींस की बनाना चाहते हैं, तो दो यूनिट जींस बनाएंगे तो हमें सिर्फ कितने बनाने का मौका मिलेगा शर्ट को? 24। हमें कितना मौका मिलेगा बनाने को? 24। ठीक है, मिला लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे पॉइंट आ रहा है, आप कायदे से पहले पॉइंट रख के तब मिलाइएगा। हम पहले मिला दिए थे, बाद में पॉइंट रख रहे हैं। एक यूनिट और जींस में बढ़ाना चाहते हैं, तीन यूनिट जींस की बनाना चाहते हैं। अब बताइए हमें थोड़ा और शर्ट को कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा हमारे पास लिमिट में है, पैसा हमारे पास 1000 रुपये, हम उसी 1000 में काम चला रहे हैं। तो बताइए 1000 रुपये अगर हम जींस में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो शर्ट को छोड़ना पड़ेगा। हम और आगे आए तो हम और नीचे चले आए भाई, ऐसे ही और नीचे चले आए भाई, चार यूनिट पे गए तो हमें सिर्फ 10 मिला, और जब और चले गए तो हमें सिर्फ जींस ही मिली 5 यूनिट, शर्ट एक भी यूनिट नहीं मिली, 0 यूनिट रही। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हैं, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी। पहला कॉम्बिनेशन था ए, दूसरा क्या था बी, तीसरा क्या है सी, चौथा क्या है डी, पांचवा क्या है ई, और छठवा क्या है एफ। हमारे पास कई ऑप्शन हैं, हम ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब 10 यूनिट शर्ट बनाए और 4 यूनिट जींस बनाए तब भी हमारा 1000 रुपये पूरा खर्च हो जा रहा है, या फिर आगे चलते हैं 18 यूनिट हम जींस की शर्ट की बनाए और जींस की हम 3 यूनिट बनाए तब भी हमारा कितना खर्चा हो जा रहा है? पूरा 1000, मतलब पूरा का पूरा पैसा हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जब हम इस लाइन पे हैं तो मतलब हम अपना पैसे का पूर्णतः इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे तो हम अपने पैसे को पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जितना हमारे पास पैसा है बेटा, जितना हमारे पास पैसा है बेटा, उससे हम इस लाइन तक पहुंच पा रहे हैं, क्या इससे हम बाहर आगे सामान बना सकते हैं? भैया सीधी सी बात कहें तो औकात ही नहीं अपनी। हम 1000 रुपये खर्चा करना चाह रहे हैं, 1000 रुपये में भाई हम यहां तक नहीं पहुंच सकते, हम इसी लाइन पे रह सकते, इसी लाइन के अंदर बना सकते, इसके अंदर नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1000 पूरा है, हम पूरा खर्चा करेंगे, हम अपने पैसे को पूरा इस्तेमाल करेंगे। कम इस्तेमाल क्यों करें भाई, हमारे पास पैसा इतना है तो हम इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, सिंपल। आगे चले तो जितने भी कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन पे हमारा पैसा पूरा खर्चा हो जा रहा है, हम कम इस्तेमाल नहीं कर रहे। चाहे हम एक भी जींस नहीं बना रहे थे, सारा का सारा शर्ट ही बना रहे थे, तब भी हम खर्चा कितना कर रहे थे? 1000 रुपये। और जब पूरा का पूरा शर्ट ही बना रहे हैं, पूरी की पूरी जींस ही बना रहे हैं, एक भी शर्ट नहीं बना रहे, तब भी हम पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं? 1000। तो हम हर जगह पे 1000 खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ढेर सारे हैं। इसी ऑप्शन को बताता है हमारा पीपीसी, इसी लाइन को पीपीसी या पीपीएफ बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र हिंदी में बोला जाता है, उत्पादन संभावना वक्र। और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बोला जाता है प्रतिस्थापन की दर, प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना। ठीक है, अगर हिंदी वाले थे तो इसलिए हमने बता दिया, आप हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल चिंता मत करिएगा बेटा। ठीक है, आप पढ़िए बस, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को और आगे ले चलते हैं। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को,
आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए आपके काम की भी चीज़ है, क्योंकि आप लोग हॉस्टलर हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और रूम लेके रहते हैं, अकेले रहते हैं या फ्लैट लेके रहते हैं दोस्तों के साथ, तो आपको कुकिंग वगैरह का भी शौक हो सकता है, कुकिंग करते होंगे कभी कभी, कभी अच्छा बनता है कभी ख़राब बनता है, हम लोग भी बनाते थे तो शुरू में बहुत ख़राब खाना बनता था। तो कुछ कुकिंग वगैरह से अगर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक चैनल जो है बता सकता हूँ जहाँ से आप आसानी से कुकिंग करना सीख सकते हैं। लेडीज़ हब नाम का एक चैनल है, मेरे एक फ्रेंड का है, उसने काफ़ी कुछ मुझे भी सिखाया है कुकिंग में, आज मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ अब। लेडीज़ हब नाम से ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आएगी तो आप चाहें तो इसकी ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आएँ वो आपको मिल सके, ठीक है। इसमें कुछ टोनर वगैरह भी बनाना सिखाते हैं, मंचूरियन बॉल्स और दही भल्ले, है ना, आप लोग को काफ़ी पसंद होंगे। इसमें अलग अलग तरह की वीडियोस हैं, खास करके चिकन रेसिपीज भी अच्छी खासी हैं, बिरयानी भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा इसमें से, काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है उससे, ठीक है। कॉफ़ी बनाना, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी बनाना मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी सीख सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए कुकिंग करना, आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लेडीज़ आपको भी सपोर्ट करिए, ठीक है, गुड लक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC, देखिएगा दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण क्या है, वो दो तरह के गुण होते हैं इसमें। पहला गुण है कि भैया कॉनकेव टू द ओरिजिन, जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, उससे कॉनकेव होती है। देखो कॉनवेक्स ऐसे कहा जाता है और कॉनकेव ऐसे कहा जाता है, ठीक है, अवतल, अवतल बोला है, ठीक है, उत्तल और अवतल, इसको उत्तल इसको अवतल कह रहा है। जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो अवतल होती है, कॉनकेव होती है। क्यों ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि चेंज कैसे था जीन्स का और शर्ट का। जीन्स हम 0 यूनिट पे थे तो 30, 1 यूनिट पे आए तो 28, 2 यूनिट पे आए तो 24, 3 यूनिट पे आए तो 18, 4 यूनिट पे आए तो 10 और 5 यूनिट पे आए तो 0, ऐसे था कुछ। देखिए ये जो कह रहा है ये अवतल क्यों होती है, इसकी वजह है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है इसमें, वो कह रहा है जितना हम एक यूनिट में बढ़ाते जाएंगे उतना शर्ट में हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कम हो रहा है, हम एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए 2 का चेंज था, इसमें 4 का चेंज हो गया, इसमें 6 का चेंज हो गया, इसमें 10 का चेंज हो गया, 8 का चेंज हो गया और यहां पे 10 का चेंज। ये जो इसमें चेंज होने की वजह से दूसरी चीज में जो चेंज होगा वो इंक्रीजिंग रेट से होगा या बढ़ते क्रम में होगा, ये क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा, इंक्रीजिंग रेट से, इसकी वजह पड़ते, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। मान लो जींस जो है एक्स है और ये वाई है, तो कह रहा है जितना हम एडिशनल यूनिट एक्स की बनाते जाएंगे उतना ही एडिशनल जो है वाई को हमें छोड़ना, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन जो सैक्रिफाइस होगा वो सैक्रिफाइस का रेट हर यूनिट के साथ बढ़ता चला जाएगा। सैक्रिफाइस, पहले मैं 2 सैक्रिफाइस किया, फिर 4 सैक्रिफाइस करने लगा, रेट बढ़ गया इसका, 6 सैक्रिफाइस करने लगा, 8 सैक्रिफाइस करने लगा, 10 सैक्रिफाइस करने लगा। तो कह रहा अगर सर, अगर ऐसा होता कि हम 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 4, 3, 2, 1, 0, मतलब
जीन्स और शर्ट में बराबर चेंज होता, तब क्या होता सर? तब क्या होता? ये जो पीपीसी है ना बेटा, ये जो ऐसे बन रही है ना, वो ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती, स्ट्रेट लाइन बनने लगती। क्या बनने लगती? स्ट्रेट लाइन बनने लगती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि इन दोनों का चेंज हमेशा ऐसे था, ज्यादा था। इसमें जो चेंज था, एक्स में हम सिर्फ एक यूनिट बदल रहे थे, तो यहां दो का चेंज आ जा रहा, फिर एक यूनिट बदल रहे थे चार का चेंज आ रहा, फिर एक यूनिट बदल रहे थे तो छह का चेंज आ जा रहा, मतलब ये इंक्रीजिंग रेट से था। और यहां पे जो बदलाव होगा वो यहां पे एक यूनिट बदला तो यहां भी एक ही यूनिट बदला, फिर एक यूनिट बदला तो एक ही यूनिट बदला। हमने जींस एक भी नहीं बनाई तो शर्ट कितनी बनाई? पांच। एक जींस बनाने लगे तो कितने का चेंज आया? एक यूनिट का। देखिए यहां पे रेशियो क्या बनेगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1:1। अच्छा यहां भी एक बढ़ाया तो इसमें कितना घटा? एक ही घटा। फिर एक बढ़ाया फिर कितना घटा? एक घटा। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है भैया? बराबर है। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों का क्या है? जितना एक में घट रहा है उतना ही एक में बढ़ रहा है। तो पीपीसी क्या हो जाती? स्ट्रेट लाइन हो जाती। लेकिन पीपीसी स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। अगर होगी तो मतलब आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों का क्या है, जितना एक्स को छोड़ रहे हैं उतना ही एक्स में वाई में पा रहे हैं। अच्छा जितना एक्स में छोड़ रहे हैं उतना वाई में नहीं, उससे कहीं ज्यादा कम वाई में पा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए जितना हम एक्स में पा रहे हैं, एक यूनिट पाए उससे ज्यादा छोड़ना पड़ा, एक यूनिट और पाए ज्यादा छोड़ना पड़ा, एक यूनिट और पाए और ज्यादा छोड़ना पड़ा, छह यूनिट छोड़ना पड़ा, एक यूनिट और पाए आठ यूनिट छोड़ने लगे। बात समझ में आ रही है? तो जब ये बराबर नहीं होता तो पीपीसी कॉनकेव बनती है। इंक्रीजिंग रेट पे होता तो अगर दोनों बराबर हो जाए तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है पीपीसी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। स्लोप्स डाउनवर्ड और निगेटिव स्लोप, हिंदी में क्या बोलते हैं? नीचे की ओर ढलान या ऋणात्मक ढलान। अच्छा ऐसा दूसरा ये प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्यों नीचे की ओर झुकी होती है भाई, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसे ही क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती? बात समझ में आ रही है? कह रहा ऐसे आती है और नीचे की तरफ चली जाती है, क्यों ऐसा होता है? ये होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेटा कि जब एक चीज पाने के लिए हम दूसरी चीज का त्याग कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक ऑप्शन था, हमारे पास, हम पिछले पेज पे आपको ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे पिछले पेज पे आ गए। हमारे पास एक ऑप्शन ये था, हमने ये नहीं चूज किया, ये चूज कर लिया क्योंकि हमें जींस भी थोड़ी सी चाहिए थी, शर्ट ज्यादा चाहिए, या हमने इसको भी छोड़ दिया, हमें थोड़ी ज्यादा जींस चाहिए, थोड़ी ज्यादा ठीक ठाक शर्ट भी चाहिए, तो हमने तीन जींस बना ली और 18 शर्ट बना ली। ठीक है तो ये हमारे पास, हमने क्या किया, इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता था? अगर हम ये नहीं चूज करते तो हम क्या चूज करते? वो वाला ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इसका मीनिंग है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो हमने बेस्ट अल्टरनेटिव पिछली जाने दी, मतलब हमने जो चूज किया वो तो हमारे लिए संतुष्ट है हम उसमें, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे ना चूज करते तो किसे चूज करते? वो वाली हमने छोड़ दी ना, वो वाला हमने छोड़ दिया, उसी को हम क्या बोलते भैया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक बात ये भी कि भैया हमें अगर किसी एक चीज में
किसी एक चीज में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें दूसरी चीज का त्याग करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये हमेशा पीपीसी इस तरह से बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ाई कर सके। अब हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या हो गया, खत्म। ठीक है, गुड लक। अच्छा अच्छा बच्चा, एक बात तो हमसे छूट गई, माफ करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पीपीसी है। अगर हमने देखा कि हम जो है इस लाइन पे अपना पूरा पैसा खर्च कर ले रहे हैं, तो इस लाइन के अंदर करना नहीं चाहेंगे और इस लाइन से बाहर जाने की हमारी औकात नहीं है। तो इस लाइन के बाहर हमारा अगर कोई पॉइंट है तो उसको बोलेंगे अनअटेनेबल, हमारी औकात के बाहर है, अनअटेनेबल। ठीक है, हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छा, हमने अपने स्रोतों का कम इस्तेमाल किया। अगर हमने इसके अंदर कोई प्रोडक्शन किया तो हमने अपने पैसे को पूरा इस्तेमाल कहाँ किया? मान लो यहाँ पे हम 700 इसका खर्च कर रहे हैं और इस लाइन पे प्रोडक्शन कर लिए, तो बताइए हमने 1000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमने खर्च सिर्फ कितना किया? 700 यूनिट। ठीक है, सिर्फ 700 रुपये। तो हमारा ये पॉइंट क्या कहलाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब हमने अपने पैसों को कम इस्तेमाल किया। लेकिन कोई भी पॉइंट रख दी जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितना भी ऑप्शन बन सकता है पीपीसी ऑन पीपीसी पे, पीपीसी पे अगर कोई पॉइंट रख दिया जाए तो मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, या ऑप्टिमम बोलिए ज्यादा अच्छा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने पैसे को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमसे बच गया था, हम क्या बता दें बेटा। ठीक है, चलिए, गुड लक। देखिए बेटा, अगर आप लोग को अभी तक वीडियो सारी समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप दूसरों तक शेयर जरूर करिए। उससे क्या होगा कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो जितना आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे उतना मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, है ना। तो आप लोग बस शेयर किया करिए, पसंद आए वीडियो तो लाइक किया करिए, और लोगों से बोलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी आसानी से पढ़ाई कर सकें। ओके, गुड लक।